Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE के ऊपर और मैं आपका फिर से एजुकेटर प्रतीक नायक आप सबको वेलकम करता हूँ यहाँ पे, जहाँ हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स के डिस्कशन कर रहे थे। और पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था कि हिस्ट्री को कैसे आपको अप्रोच करना है। और जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब हमने कंपेयर किया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे भारत के अंदर आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर दुनिया के अलग अलग देशों में भी आज़ादी का आंदोलन हो रहा था। और तभी हम लोग बात करते हैं तो वियतनाम के अंदर भी नेशनल मूवमेंट चलता है। ये जो वियतनाम इस नेशनल मूवमेंट है, इसी को ही हम लोग आज के सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वियतनाम इस नेशनल मूवमेंट कैसे चलता है। हमने पिछले क्लास के अंदर वियतनाम के नेशनल मूवमेंट का ऑलमोस्ट एक पर्सपेक्टिव देख लिया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखने की कोशिश की थी कि कैसे फ्रेंच लोग आके वियतनाम में कॉलोनाइजेशन करते हैं एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वही फ्रेंच अथॉरिटी को टॉपल करने के बाद वियतनाम में डीकॉलोनाइजेशन होता है। हमने पिछले क्लास में डीकॉलोनाइजेशन का जब पर्सपेक्टिव देखा था तो मैंने आपको हो ची मी के बारे में बताया था, जो वियतनाम के बहुत ही दिग्गज नेता हुआ करते थे और बेसिकली उनके द्वारा ही वियतनाम को डीकॉलोनाइज किया गया था फ्रेंच अथॉरिटी के सामने। हमने आपको ये भी बताया था कि वियतनाम के अंदर बेसिकली जब फ्रेंच लोग हटाए जाते हैं तो उसके बाद वियतनाम दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। कुछ कुछ वियतनाम का जो नॉर्दर्न रीजन है विच विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और कुछ कुछ वियतनाम का जो साउदर्न रीजन है, ये जो रीजन हमको पता चलता है ये बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो एक डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा घुमा फिरा के। इसके अंदर अमरीका का बहुत बड़ा सपोर्ट होगा और वहाँ से ही कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो प्रभावशाली होगा एंड दिस विल लीड टू अ वॉर जिसे हम लोग कहते हैं वियतनाम वॉर। एक सिविल वॉर की तरफ वियतनाम जाएगा, उसी को ही हमने आपको पिछले क्लास के अंदर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की थी। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो हम लोग को ये क्लासेस के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, उन सबको मैं वेलकम करूंगा यहाँ पे। साथों साथ उनको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप हमारे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के ऊपर तो डिस्कस करिए, बट यू आर ऑल्सो वेलकम ऑन द अनअकैडमी प्लस जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। और अनअकैडमी प्लस का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप मेरा नाम सर्च करिएगा प्रतीक नायक को, आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस देखेंगे। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं जहां मैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस करता हूँ लाइव क्लास के द्वारा। आज भी शाम को 7 बजे, टुडे ऑल्सो 7 PM, आई हैव गॉट अ स्पेशल क्लास, और ये स्पेशल क्लास बेसिकली वाइसरॉय के ऊपर है। मैंने अभी तक इंडिया के अंदर बहुत सारे जो ब्रिटिश वाइसरॉयज थे उनके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स कराए हुए हैं, और पिछले 3 दिन से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लैंसडोन साहब, ये जो गवर्नर हुआ करते थे आपके रीडिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर से आप हमारे साथ आइएगा, यू विल एन्जॉय दिस बेसिकली क्लासेस, और ये फ्री में होते हैं। आपको खाली और खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ये अनलॉक कोड को यूज़ करना है पी एन लाइव, जिसके द्वारा आप क्लासेस के अंदर लॉग इन कर पाओगे। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और ये फ्री के अंदर है, इसके अंदर आपको फीस भी नहीं देनी है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार जब अनुभव ले लें तो उसके बाद जरूर से हमारे पास प्लस क्लासेस के अंदर आइएगा, जहां पूरा हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है वो मैं आपको कराऊंगा। उसमें मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय मी ओनली। इसके अलावा यूपीएससी के रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो अपना जनरल स्टडीज के अलग अलग सब्जेक्ट आपको कराएंगे, और पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी इसके द्वारा हो पाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की। आप अनलिमिटेड टाइम क्लासेस को देख पाओगे, रिकॉर्डेड देख पाओगे, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा पढ़ पाओगे, और खाली एप्लीकेशन डाउनलोड करके 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये चीज़ याद रखेगा कि आप ये डिस्काउंट कोड को यूज़ करिए पी एन लाइव, जिसके द्वारा आपको 10% ऑफ मिलेगा। दूसरा, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत ये है कि इसके द्वारा आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी दी जाती है, और ये पर्सनल कोच की फैसिलिटी के द्वारा आपकी तैयारी को और हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको यहाँ एक मेंटर दिया जाएगा जो आपको गाइड करेंगे पूरी तरह से। इसके साथ साथ आपको 1 साल 2 साल के लिए अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारी बैचेस भी चलती है, बैचेस के अंदर भी एनरोल करा सकते हो। 24 फरवरी से यहाँ पे नई बैचेस लॉन्च हो चुकी है हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल सब्जेक्ट्स के लिए। और अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करवाना चाहते हो तो अनअकैडमी के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। यू आर ऑल्सो वेलकम टू डू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल, जहाँ ऑप्शनल की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर कराई जाएगी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा, आप वो भी इनफैक्ट अटेंड कर पाओगे। अदर देन दिस, अनअकैडमी 28 तारीख को ऑर्गेनाइज कर रहा है कॉम्बैट, जो एक लाइव क्विज होता है जहाँ यूपीएससी के अलाइंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
और अगर आप ये कॉम्बैट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको अन अकेडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, या आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो यू कैन इमेजिन कि कितना सारा आपको फाइनेंशियल भी फायदा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी अन अकेडमी की तरफ से फॉर योर प्रिपरेशन। तो आप ये कॉम्बैट के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा, ये क्विज है, ये क्विज के द्वारा आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हो कि आपका लेवल कितना है। 28 तारीख को नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है और इसके लिए आपको ये डिस्काउंट या ये कोड को यूज करना है पी एन लाइव। आप कोई भी प्रकार की अन अकेडमी के अंदर सब्सक्रिप्शन नॉन सब्सक्रिप्शन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए जरूर से ये कोड को यूज कर सकते हो। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि वियतनाम का कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी वियतनाम का कॉलोनाइजेशन फ्रेंच ने किया, उसके बाद डी कॉलोनाइजेशन होता है, और डी कॉलोनाइजेशन के अंदर बेसिकली वियतनाम के अंदर सबसे बड़े लीडर के रूप में जो उभर के आए थे उनका नाम था होचीमिन। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर वियतनाम की पूरी स्टोरी बताई थी कि होचीमिन ने 1930 के दशक में वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और यही कम्युनिस्ट पार्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वियतनाम को इंडिपेंडेंस दिलाएगी। 1945 तक आते आते हमको पता चलता है कि होचीमिन वहां पे वियतनाम को इंडिपेंडेंट कराते हैं, फ्रेंच लोग 1954 तक आते आते फाइनली अपना सरेंडर करेंगे, और इसी के बाद हमको पता चलता है कि वियतनाम दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। नॉर्थ वियतनाम जो है वो कम्युनिस्ट फोर्सेस के हाथ में आ जाता है, और जो साउथ वियतनाम है बेसिकली वो कैपिटलिस्ट फोर्सेस के अंदर आते हैं। होचीमिन चाहते थे कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाए, और जितना इंटीग्रेशन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का होगा उतना ही फायदा वियतनाम को एक कंट्री के रूप में होगा। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे खास करके, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वियतनाम की जो स्थापना है वो बेसिकली यूनिफाइड वे के अंदर हो, क्योंकि यूनिफिकेशन होगा वियतनाम का तो फ्रांस का, अमरीका का, बाकी सारे देशों का वियतनाम के ऊपर से प्रभाव कम हो जाएगा। अमरीका खास करके एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वियतनाम के ऊपर उसका प्रभाव कम हो या वियतनाम पूरी तरह से कम्युनिज्म के अंदर चला जाए। ये वो पीरियड है जब दुनिया के अंदर दो बड़ी बड़ी ताकतें बेसिकली लड़ाई कर रही थी, और ये लड़ाई बहुत ठंडी लड़ाई थी जिसे हम लोग कोल्ड वॉर के रूप में पहचानते हैं, इट इज नोन एज कोल्ड वॉर। वियतनाम की भी कहानी यही है कि ये जो कोल्ड वॉर की प्रक्रिया वहां पर चल रही है इसी का ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जहां पे अमरीका यहां वियतनाम को कम्युनिस्ट होने से रोकने की कोशिश करेगा, और इसी के कारण 1960 के दशक में नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में इनफैक्ट बहुत बड़ा सिविल वॉर की शुरुआत होगी, गृह युद्ध की शुरुआत होगी, और इस समय के दौरान यूएसए जैसा कंट्री वियतनाम को मदद करने के लिए आएगा। आज के क्लास के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमरीका यहाँ वियतनाम के अंदर इंटरफियर करता है, और धीरे 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 फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स, करीबन 15-20 साल तक अगर आप देखोगे तो वियतनाम के अंदर एक खूनी खेल की शुरुआत होगी। 1950 के दौर से शुरुआत होती है, करीबन 1970 तक ये चलता रहेगा। ये 20 साल तक करीबन आप समझिए वियतनाम के अंदर बहुत बड़ा ब्लड लॉस हुआ, बहुत बड़ी इनफैक्ट आप देखोगे तो क्या सकते हैं कि लॉस होता है, कल्चरल लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, पॉलिटिकल लॉस होता है। आखिर में 1970 तक आते आते वियतनाम जो है वो पूरी तरह से यूनिफाई हुआ, हो ची मिन ने जो सपना देखा था वो फाइनली कंक्लूड होता है, और इस तरह से जो कोल्ड वॉर का कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे वियतनाम के अंदर एंड होगा। तो आज हम लोग उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको होचीमी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि होचीमी कौन थे, होचीमी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था साहब। अब लेट अस सी द होचीमीज रोल इन टू द वियतनाम इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर होचीमी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता क्यों, ऐसा है साहब? ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि यूपीएससी जब आपको क्वेश्चन पूछता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, और जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मलय पेनिनसुला के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे उस टाइम पे, व्हाट प्रॉब्लम्स वर जर्मेन टू द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ द मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला का मतलब बेसिकली आज का मलेशिया इंडोनेशिया वाला जो प्रदेश है साहब, वहां उस सर की बात कर रहा है, और उसमें क्या क्या प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे थे मलय पेनिनसुला के अंदर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। ये इसी के तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक बार यूपीएससी ने वेस्ट अफ्रीका का नेशनल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, और पूछा था कि वेस्ट अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट जो है वो कैसे चलता है, और वेस्ट अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत किस प्रकार की इवेंट्स होती है, खास करके वहां पे जो एजुकेटेड क्लासेस थे उनका क्या रोल प्ले है सा? तो उसी तौर के ऊपर आपको पूछा जा सकता है कि ये जो वियतनाम या इंडो चाइना के अंदर जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है उसमें हो ची मिन का रोल क्या रहा है, और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि होचीमी के कारण ही क्या वियतनाम को आजादी मिली। क्या भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि गांधी के कारण, बहुत लोगों का मानना है कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जैसे पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था गांधीयन पर्सपेक्टिव का पॉइंट, तो क्या उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग वियतनाम को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते?
कैन वी सी दैट हाउ द वियतनाम कैन बी अंडरस्टूड, वियतनाम का यूनिफिकेशन का जो आइडिया है वो कैसे देखा जा सकता है. तो वही पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग ऑन ऑल दिस पॉइंट्स एंड विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंडो चाइना का जो पर्सपेक्टिव वियतनाम के अंदर डाला गया है हो ची मी वाला, वो भी कैसे चलता है उसको भी देखेंगे. पर पहले हम लोग हो ची मी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि यही इंसान थे जिन्होंने वियतनाम की सेना को यूनिफाई करवाया था, वियतनाम को कहा था कि हम इंडिपेंडेंट दिलाएंगे, और उन्हीं के द्वारा वियतनाम फ्रेंच रूल से आले होता है साहब. अब हो ची मिन्ह के बारे में हमको पता चलता है कि उनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बहुत ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन है. वेरी लिटल इज नोन अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ हो ची मिन्ह, बिकॉज हो ची मिन्ह चूज टू डाउन प्ले हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज द कॉज ऑफ वियतनाम. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी है. उन्होंने उनका जन्म सेंट्रल वियतनाम के अंदर हुआ था, फ्रेंच के द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई थी वहां उन्होंने पढ़ा था. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1910 1911 के समय के दौरान उन्होंने थोड़ी बहुत नौकरियां भी की थी, और खास करके फ्रेंच की जो उस टाइम पे शासन पद्धति थी वहां पे भी उन्होंने काम किया. 1930 तक आते आते ये हो ची मिन्ह को लग रहा था कि ये गलत चीज है, क्योंकि फ्रांस वियतनाम के ऊपर शासन कर रहा है. एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कॉमिंटर्न. कॉमिंटर्न अगर आपको पता होगा तो यूएसएसआर नाम की जो कंट्री उस टाइम पे बनी थी, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में बात किया था. ये जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यूएसएसआर के अंदर हुआ था उसी के ही सदस्य इनफैक्ट ये बनते हैं. इनफैक्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के उस टाइम पे तत्कालीन लीडर थे लेनिन, मैंने आपको बताया था 1920 के दशक में, उनको भी ये मिलेंगे. और करीबन 1941 के आसपास का पीरियड है, हमको पता चलता है कि हो ची मिन्ह तब तक तो यूरोप के अंदर ही थे, बट फाइनली वो वियतनाम के अंदर आए. 1943 के अंदर उनको बेसिकली एक टाइटल दिया गया हो ची मिन्ह, बेसिकली ओरिजिनल आप देखोगे तो ही हु एनलाइटन्स का नाम दिया गया है. और इसी के बाद ये वियतनाम के प्रेसिडेंट बनते हैं. 1969 में इनका मृत्यु हुआ, और इसी के आधार के ऊपर हमको पता चलता है कि इनका जो बहुत बड़ा रोल प्ले है वो है आइडियोलॉजिकल रोल प्ले, क्योंकि इन्होंने वियतनाम के लोगों को एक बहुत बड़ी डायरेक्शन दी कि कैसे हम लोग यूनिफाई हो सकते हैं, और कैसे हम लोग बेसिकली ये जो फ्रेंच शासक है उनके सामने आंदोलन करके, विद्रोह करके यहाँ पे आज़ादी दिला सकते हैं. इनकी जो फोर्स हुआ करती थी उसके बारे में मैंने आपको वियतमीन के बारे में बताया था, और वियतमीन नाम की जो फोर्स थी वो कैसे फ्रेंच लोगों को हराती है ये भी मैंने आपको बताया था कि हाउ द फ्रेंच वर आउटविटेड बाय द वियतमीन फोर्सेस ब्लेड बाय द जनरल वो ग्यूआ जो वियतनाम के लीडर थे. और फ्रेंच कमांडर को पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग कैसे फाइट करेंगे साहब. और उस सम कंडीशन के अंदर हमको पता चलता है कि वियतमीन के जो लोग थे, वियतनाम की जो आर्मी वाले थे, उन्होंने ट्रेंच किए, उन्होंने टनल्स बनाई, और उसके बाद धीरे 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 हमको पता चलता है कि फ्रेंच लोगों के ऊपर आक्रमण किया गया. एंड डीएन बी फू करके जो जगह थी वहां करीबन 16,000 से भी ज्यादा आपके जो फ्रेंच सैनिक है वो सरेंडर करेंगे, और इस तरह से वियतनाम के युद्ध का अंत आता है. अब आप समझने की कोशिश करिए कि वियतनाम के युद्ध का अंत आया, और पिछले क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि वियतनाम को जब इंडिपेंडेंस मिलती है फ्रांस से, उसके बावजूद भी वेस्टर्न कंट्रीज वियतनाम के अंदर अपना प्रभाव डालना चाहते थे. एंड इसी के कारण हो ची मिन्ह करके जो लीडर जिन्होंने नॉर्थ वियतनाम को हैनोई के अंदर अपना राजधानी बना के कैप्चर किया था, उनके सामने साउथ वियतनाम के अंदर बेसिकली एक और लीडर को खड़ा किया गया जिसका नाम था बो दाई. इनको कहा जाता है कि आप दक्षिणी वियतनाम के अंदर शासन चलाइए. ये बो दाई के बाद बेसिकली साउथ वियतनाम के अंदर आपको डीएम करके एक लीडर दिखेंगे. ये डीम की शासन ऐसी व्यवस्था थी जहां पे बेसिकली पूरी तरह से कम्युनिस्ट को टारगेट किया जाता था, क्योंकि ये भी प्रो अमेरिका थे. अमेरिका को लग रहा था कि ये गलत हो रहा है. हो ची मिन्ह कह रहे हैं कि मैं साउथ वियतनाम के अंदर आऊंगा, और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई इसी के बाद अमरीका को फोर्स किया जाता है कि आप बीच में पड़िए वरना वियतनाम हाथ से चला जाएगा. और इसी बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है, वी कम टू नो दैट वियतनाम के अंदर अमेरिका की एंट्री होने की शुरुआत होगी. अब आप समझिए कि डीकोलोनाइजेशन तो वियतनाम का हो गया साहब. डीकोलोनाइजेशन होने के बावजूद भी हमको पता चलता है कि वियतनाम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाया. वियतनाम के अंदर पहले कॉलोनाइजेशन होता है, ये कॉलोनाइजेशन फ्रेंच ने किया, ये डीकोलोनाइजेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और फिर से वियतनाम को रिकॉलोनाइज करने की कोशिश की जाती है बाय द यूएसए. अब यूएसए क्यों आने की कोशिश कर रहा है, व्हाई यूएसए वांटेड टू एंटर द वियतनाम साहब. तो आप समझने की कोशिश करिए कि यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो उस टाइम के अंदर कैपिटलिज्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता था. इनफैक्ट ये आज की तारीख में भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, और इसका मानना है कि बाजार फ्री होना चाहिए और बेसिकली पूरी तरह से मार्केट के अंदर लिबर्टी रखनी चाहिए, और जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर हम लोग को डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव आधार रखते हुए
पूरे वर्ल्ड को गवर्न करना चाहिए, और ये जगत का जमादार बन के ठेका लेके बैठा है अमेरिका, जहां अमेरिका दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जहां जहां या राजधानी के अंदर बेसिकली घुसने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जहां जहां इन इनफैक्ट क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रश्न है, जहां जहां कम्युनिस्ट फोर्सेस पावर के ऊपर है, उन सबको उथला के हमको यहाँ पे कुछ नई शासन व्यवस्था क्रिएट करनी है साहब, और वो कैपिटलिज्म को हम सपोर्ट करने की बात करता है। उसके सामने आप देखोगे तो यूएसएसआर करके कंट्री है। यूएसएसआर बेसिकली 1920 के दशक में उभर के आया, और ये यूएसएसआर कहता है कि हमको एक ही विचारधारा के ऊपर चलना है, और वो जो विचारधारा है उसे क्या कहा गया है, कम्युनिज्म की विचारधारा कहा गया है। तो एक साइड के ऊपर हमको कैपिटलिज्म की विचारधारा दिखती है, दूसरे साइड के ऊपर हमको क्या मिलती है, कम्युनिज्म की विचारधारा मिलती है। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये दोनों के दोनों आइडियाज, ये दोनों के दोनों जो सिद्धांत थे, इनको जब हम लोग पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि दे वर्क अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इसके लिए दुनिया उस टाइम के अंदर दो वर्गों के अंदर बट गई थी, एक यूएसएसआर जो था जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, दूसरा यूएसएसआर यूएसएसआर था जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, दूसरा यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। ये दोनों के दोनों प्रदेशों की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये दोनों के दोनों बेसिकली आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वियतनाम के अंदर खेली जा रही थी। साउथ वियतनाम के अंदर कैपिटलिस्ट फोर्सेस जो थे, खास करके उन सब का प्रभाव था, क्योंकि अमरीका यहाँ पे साउथ वियतनाम को बचाना चाहता था। हो ची मिन्ह यहाँ नॉर्थ वियतनाम से प्लान कर रहे थे कि मैं साउथ वियतनाम को जाके पूरी तरह से इंटीग्रेट करा दूंगा, और अमेरिका ये नहीं चाहता था, और इसी के कारण यहाँ पे अमेरिका की एंट्री होती है। तो आप देखिए कि कोल्ड वॉर के दौरान हमको एक चीज देखने को मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वॉर्स। प्रॉक्सी वॉर्स की खासियत क्या होती है दोस्तों? प्रॉक्सी वॉर्स की खासियत ये होती है कि जब जब कोल्ड वॉर हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर 1945 से लेके 1990 तक, 1945 से लेके 1990 तक, जब तक आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक अमेरिका और रशिया ने एक दूसरे के सामने पूरी तरह से प्रॉक्सी वॉर्स करने की कोशिश की है साहब। और जो वियतनाम का केस है, वो वियतनाम के अंदर भी हमको यही दिखेगा कि हमको पता चलता है कि एक साइड के ऊपर अमेरिका है, दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको रशिया दिखेगा या यूएसएसआर दिखेगा। ये यूएसए कहता है कि हम कैपिटलिस्ट फोर्सेस को और इसी की आइडियोलॉजी के ऊपर मानते हैं, यूएसएसआर कहता है कि नहीं, हम कम्युनिज्म के विचार को मानते हैं। कम्युनिज्म के आधार के ऊपर बेसिकली नॉर्थ वियतनाम की रचना की गई थी, और हो ची मिन्ह बेसिकली उस टाइम पे उनके लीडर थे। कैपिटलिज्म को सपोर्ट या इन्हीं के बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि साउथ वियतनाम को खड़ा किया गया था, और इसी के कारण नॉर्थ वर्सेस साउथ वियतनाम के बीच में संघर्ष हो रहा है। नॉर्थ वियतनाम को बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपका रशिया सपोर्ट कर रहा था, और साउथ वियतनाम को यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। ये जो सिचुएशन हुई, इसी के कारण अमेरिका यहाँ पे घुसता है। अब क्या अमेरिका यहाँ पे वियतनाम के युद्ध के अंदर एंटर करेगा? आपको पसंद आएगा कि आपके देश के अंदर एक विदेशी ताकत आके ये कह रही है कि हम आपके देश के यूनिफिकेशन नहीं होने देंगे? अमेरिका नहीं चाहता था कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम यूनिफाई हो पाए। अमेरिका नहीं चाहता था कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में जो बॉर्डर्स है वो फाइनली निकट जाए, और हो ची मिन्ह बेसिकली इसके एकमात्र लीडर के रूप में आए। तो वियतनाम के अंदर खास करके जो कॉमन मैन था, उसके अंदर फीलिंग ये थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन्होंने आके हमारे देश का बंटवारा किया है। जैसे भारत के अंदर भी आपको पता होगा कि इंग्लैंड ने यही खेल खेला है, और इंग्लैंड ने भी बेसिकली नॉर्थ एंड या बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दो कंट्रीज का फॉर्मेशन कराया। वैसा ही आपको वियतनाम के अंदर भी दिखेगा कि बहुत सारे कॉलोनियल पावर्स को ये पसंद नहीं आ रहा था, खास करके अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा था कि वियतनाम के अंदर कैसे भी करके बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिज्म की एंट्री हुई उसको टॉपल करा दी जाए साहब, गेटिंग अ पॉइंट। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि द यूएस एंट्री यहाँ पे होगी जब नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का यूनिफिकेशन हो रहा था, तो अमेरिका चाहता था कि नॉर्थ वियतनाम के सैनिक साउथ वियतनाम में ना आए, और साउथ वियतनाम का जो यूनिफिकेशन है उसको रोका जाए, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। एंड इन दिस कंडीशन 1961 ऑनवर्ड से हमको पता चलता है कि अमेरिका के जो तात्कालिक उनके अध्यक्ष हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने वियतनाम को लेके अपना फंडिंग बढ़ाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि दक्षिणी वियतनाम का जो राज्य है उनको हम लोग मदद करेंगे, उनको मिलिट्री हेल्प देंगे,
उनको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, जरूर पड़ी तो हमारे सैनिक साउथ वियतनाम के अंदर फाइट करने आएंगे, पर कैसे भी करके साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम का यूनिफिकेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर वियतनाम के अंदर नॉर्थ वियतनाम की विचारधारा पॉपुलर हुई जो कम्युनिज्म की विचारधारा है, तो अमेरिका की दुकान बंद हो जाएगी साहब। एंड इन दिस कंडीशंस यूएस एंट्री इनटू द वॉर टुक प्लेस। ये जो अमेरिका की एंट्री होती है उसके कारण वियतनाम के अंदर और नुकसान होगा। अमेरिका के बड़े बड़े सैनिकों ने बेसिकली वियतनाम के अंदर एंट्री निकाली। 1965 से लेकर 1972 तक कहा जाता है कि करीबन आप पकड़ के चलिए कि 34 लाख की जो 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 संख्या है, या बेसिकली आप पकड़ के चलिए 3,40,000 के आसपास आपके जो सैनिक थे उन सबको वहां पे अपॉइंट किया गया। वी सी दैट ह्यूज नंबर ऑफ यूएस सोल्जर्स वर बेसिकली अपॉइंटेड इन टू दी वियतनाम वॉर साहब। इनमें से करीबन आप पकड़ के कोशिश करोगे तो 7 से 8 हज़ार स्त्रियां हुआ करती थी। अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर साउथ वियतनाम को मदद करने के लिए नॉर्थ वियतनाम के ऊपर बम गिराए साहब, बहुत बड़ी मात्रा के वेपन्स का यूज किया गया। एंड वी सी दैट यही युद्ध के कारण करीबन 40-50 हज़ार लोगों से ज्यादा मृत्यु होती है। एंड वी सी दैट 3 लाख से ज्यादा लोग इसमें वुंडेड होते हैं, वियतनाम की स्थानिक पब्लिक। अमेरिका वियतनाम के अंदर बेसिकली बिल्कुल नहीं चाहता था कि वहां पे जो नॉर्थ वियतनाम है और साउथ वियतनाम है उसका यूनिफिकेशन हो, और इसके कारण अमेरिका कैसे भी करके बेसिकली अपने ब्रूटल टेक्निक्स के द्वारा भी नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का इंटीग्रेशन रोकने की कोशिश करता है। अमेरिका ने जब देखा कि साउथ वियतनाम की सरकार अपने दम के ऊपर नॉर्थ वियतनाम के शासकों को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हो ची मिन्ह के लोगों के पास जुस्सा बहुत था, तो अमेरिका ने अपने सैनिक भेज दिए और अमेरिका ने कहा कि मैं यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम के लोगों को कुचल दूंगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर हैवी वेपन्स और टैंक्स और उन सबको भेजा गया, बड़े बड़े बॉम्बर प्लेन को भेजा गया, B-52 जैसे प्लेन्स हमको दिखेंगे, केमिकल वेपन्स का यूज किया गया, नापाम, एजेंट ऑरेंज, फॉस्फोरस बॉम्ब्स, और पूरे के पूरे वियतनाम के गांव, पूरे के पूरे वियतनाम के जंगलों को उड़ा दिया गया। इन सब कंडीशंस में वियतनाम की सेना को टारगेट करना था, पर हमको पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सिविलियंस का भी मृत्यु होता है। अमेरिका ने जो वियतनाम के अंदर किया वो अमेरिका को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अमेरिका के कुछ कुछ नागरिक इसके साथ सहमत नहीं थे। उनको लगता था कि एक देश के लोग अंदर अंदर फाइट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेके, उसमें अमेरिका को इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं है। पर अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर ये इतिहास की एक आपको क्या कहते हैं कि आदत रहेगी, जहां अमेरिका को लगता था कि जहां जहां कम्युनिस्ट फोर्सेस पावरफुल हो रहे हैं उसको टॉपल कर देना चाहिए। ये चीज अमेरिका ने क्यूबा के अंदर भी करने की कोशिश की थी। ये चीज अगर आप देखोगे तो आपको आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया के अंदर भी दिखेगी। ये चीज अमेरिका ने यूएसएसआर के अंदर भी करने की कोशिश की थी। खैर यूएसएसआर तो अपने दम के ऊपर ही गिर गया। 1990 तक आते आते यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, तो कोई सवाल नहीं होता है। बट ये चीज आपको कंपेरेटिवली हर एक जगह के ऊपर दिखेगी जहां अमेरिका की जो सरकारें हैं वो वहां पे इस प्रकार की पॉलिसीज के द्वारा पूरी की पूरी जो सरकारें हैं उसको गिराने की कोशिश करेगी। अमेरिका के अंदर जब ये युद्ध की घोषणा होती है तो अमेरिका के लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा था। देर मेनी पीपल इन द अमेरिकन गवर्नमेंट हु डिड नॉट लाइक दैट, देर मेनी सिविलियंस हु डिड नॉट लाइक दैट। उनको लगता था कि आप यहाँ पे बेसिकली वियतनाम के लोगों के ऊपर बम डाल के कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर लोगों को कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज के अंदर डालने की बात हो रही है, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि वहां के जो आम नागरिक थे, वहां के जो सामान्य इंसान थे, उनको एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो काफी उन्होंने विरोध भी किया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे फाइट नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे फाइट करने से कुछ मिलेगा। वियतनाम के बेकार या बेसिकली वहां के बहुत ही पुअर और इम्पॉवरिश लोगों के ऊपर बम गिरा के अमेरिका को इस जीवन के अंदर बड़ा तीर नहीं उखाड़ रहा है। हमको ये भी चीजें पता चल रही है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी इनफैक्ट आपकी मीडिया थी और बहुत सारी फिल्म जगत के लोग थे जिन्होंने ये युद्ध को सपोर्ट भी किया और ये युद्ध को क्रिटिसाइज भी किया। यू विल फाइंड मैनी मूवीज एट दैट टाइम जो वियतनाम के युद्ध को बेसिकली एट टाइम सपोर्ट करेगी। जैसे हमको जॉन वेन्स का एक ग्रीन बैरेट करके मूवी दिखेगा, ये मूवी के अंदर किस तरह से पता चलता है कि एक प्रोपोगंडा का जो आइडिया है, जहां कॉमन मैन को बोला जाता है कि आप जाइए युद्ध लड़िए अपने देश के लिए, आप महान देश सेवा कर रहे हो। कुछ कुछ मूवीज ऐसी भी थी जो अमेरिका के अंदर बेसिकली अमेरिका की सरकार को क्रिटिसाइज करती है। उसमें आपको एपोकैलिप्स करके एक मूवी दिखेगा जहां पे बेसिकली अमेरिका के अंदर बहुत लोग थे जो युद्ध को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अमेरिका को ये युद्ध के अंदर इंटरफियर करने की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद भी अमेरिका खाली और खारी ये कोल्ड वॉर का जो ईगो था उसके कारण यहाँ इंटरफियर करता है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वियतनाम के अंदर दबदबा उसका बना रहे।
अमेरिका चाहता था कि वियतनाम की जो सरकारें हैं वो उसकी पपेट्स के रूप में रहे। अमेरिका चाहता था कि वियतनाम के अंदर जो नॉर्थ वियतनाम की जो कम्युनिस्ट फोर्सेस है उसको उथला दिया जाए, उसको टॉपल करा दिया, और इसी के कारण डेली बॉम्बिंग होते थे वहाँ सिविलियन एरियाज के अंदर, जंगल के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी, एंड दिस इज हाउ वी सी दैट अमेरिकन एंट्री जो होती है उसके कारण बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा साहब। धीरे 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 होगा भी ऐसा इनफैक्ट कि जहाँ अमेरिका की सरकारें इंटरफियर करने की कोशिश करेगी वहां वहां इनफैक्ट आप देखोगे तो अब जो कम्युनिस्ट फोर्सेस है वो भी बहुत पॉपुलर होती है। हो ची मी की जो सरकार थी उन्होंने बेसिकली एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया। 1960s तक आते आते वियतनाम के अंदर अमेरिका यहाँ पे उनको जब कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसे विपरीत परिस्थिति हुई, और हो ची मी ने प्रूव करके दिखाया कि कैसे नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को इकट्ठा कर सकते हैं। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि भाई देखिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आज नहीं तो कल दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर बनेगी, हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे साहब। एंड इन दिस कंडीशन वी सी दैट द अमेरिकन कुड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेशनलिज्म, जहां पब्लिक सोच रही है कि हमको यहाँ पे इकट्ठा होना है, पब्लिक सोच रही है कि बेसिकली हम लोग हमारा घर परिवार सब कुछ त्याग देंगे अगर हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। एक छोटा प्रदेश बेसिकली जहां अमेरिका जैसे बड़े सी शक्तिशाली के सामने लड़ सकता है, वो चीज़ वियतनाम के लोगों ने प्रूव कराई, और वो चीज़ प्रूव कराई किसके द्वारा? हो ची मी के द्वारा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि हो ची मी वॉज वंस अ लीडर जिन्होंने बेसिकली अमेरिकन हेजेमनी को फाइट किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम इकट्ठा हो जाए, पर आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज के समर्थक थे उनका मानना था कि नो नो नो, वियतनाम को हम लोग कॉलोनी के रूप में रखेंगे, और वियतनाम के ऊपर जो दबदबा है, जो पॉलिटिकल पावर है बेसिकली, वो वेस्टर्न कंट्रीज का ही रहना चाहिए। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हुई इसी का परिणाम स्वरूप हम लोग ये कह सकते हैं कि वियतनाम का नेशनल मूवमेंट बहुत ही अद्भुत रहा। हो ची मिन बेसिकली इनफैक्ट आप समझोगे तो वियतनाम को यूनिफाई करने का भी काम करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ अमेरिका ने बहुत सारे बॉम्ब का यूज़ किया है, उसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर दो तीन बॉक्सेस दिए हैं। जैसे एक बॉम्ब दिया है जिसका नाम है एजेंट ऑरेंज। अगर आप देखोगे तो एजेंट ऑरेंज इज अ डिफॉलियंट अ प्लांट क्लीनर सो कॉल्ड इट वॉज बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड इन ड्रम्स मार्क्ड विद ऑरेंज बैंड्स। आप तो बड़े बड़े ड्रम्स हुआ करते थे जो ऑरेंज कलर की बैंड से बने जाते थे, इसके लिए उसको एजेंट ऑरेंज कहते हैं साहब। 1961 से 1971 के बीच में करीबन 11 मिलियन के आसपास ये केमिकल जो है अमेरिका के प्लेनों के द्वारा वियतनाम के अंदर डाला गया। इनका टारगेट ये था कि वहाँ वियतनाम के जो भी जंगल है, वियतनाम के जो खेत है उसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि जंगल साफ कर देंगे वियतनाम के अंदर तो लोग छुप नहीं पाएंगे। करीबन 14% से ज़्यादा वियतनाम की जो खेत थे उसको इन्होंने पॉइजन कर दिया, क्योंकि ये सब जहर हुआ करता था, और इसी के कारण हमको पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने जो भी खाना पीना खाया उसके ऊपर भी ये आपको एजेंट ऑरेंज की इम्पैक्ट दिखेगी। डायोक्सिन करके एक एलिमेंट आपको इसके अंदर से दिखेगा, ये डायोक्सिन के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ब्रेन का डैमेज हुआ, कैंसर होता है साहब, इन सब चीज़ों की इन्फेक्ट भी इम्पैक्ट पड़ती है, और बहुत सारे बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटीज भी आती है। वी फाइंड अमेरिका ने इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के केमिकल बॉम्ब्स का यूज किया था जहां वियतनाम के नागरिकों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जस्ट बिकॉज द वियतनाम वॉज अ कंट्री विच वॉज ट्राइंग टू यूनिफाई, द वियतनाम वॉज अ कंट्री विच वॉज ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न पावर्स, एंड द वियतनाम वॉज अ कंट्री विच वॉज थिंकिंग कि हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, हमारे ऊपर कोई विदेशी ताकत रूल नहीं करेगी साहब। तो आप देखिएगी कि हमको क्या दिख रहा है, वॉट डू वी फाइंड ओवर हियर। हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जब जब आपके देश के अंदर या प्रदेश के अंदर फॉरेनर्स जब रूल कर रहे हैं, तो कॉमन मैन जब हाथ में बंदूक उठाता है, कॉमन मैन जब सोचता है कि हमको तूफानी करेंगे, तो एक चीज बहुत बड़ी हमको यहां पे दिखेगी, जहां कॉमन मैन का जो आइडिया है वो पॉपुलर हुआ, और कॉमन मैन का आइडिया जब पॉपुलर हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज को ये पसंद नहीं आ रहा था, और इसी के कारण शायद वेस्टर्न कंट्रीज ने इसमें इंटरफियर करने की कोशिश भी की थी साहब। ठीक है, तो एक साइड के ऊपर हमको पता चलता है, ऑन वन साइड वी कम टू नो दैट द होल अथॉरिटीज ऑफ द एजेंट ऑरेंज यहाँ पे ये होगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसी समय के दौरान आपको नापाम करके एक बॉम्ब दिखेगा, ये भी अमरीका ने यहाँ किया था साहब। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली गैसोलिन से बनता है फायर बॉम्ब बनाने के लिए, और ये बॉम्ब की खासियत ये होती है कि ये पहले जलता है, जहां पे भी ये इसको फोड़ेंगे ना साहब, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जला देगा पूरी तरह से। अमेरिका ने ये नापाम बॉम्ब का बहुत सारा यूज किया, वियतनाम के बहुत लोगों को उन्होंने जंगलों के अंदर जलाने के भी काम किया साहब। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग उटपटांग हरकत है कि वियतनाम के अंदर, सो दैट वियतनाम का यूनिफिकेशन ना हो। अब आप देखिए, अमेरिका ने तो ऐसा ही सोचा था कि वियतनाम का यूनिफिकेशन ना हो, पर मैंने आपको बताया कि हो ची मिन जैसे लीडर जब आपके पास अवेलेबल होते हैं
तो जरूर से कुछ ना कुछ तो भया होगा साहब। हो ची मी जो उस टाइम के अंदर नॉर्थ वियतनाम के अंदर अपना राजधानी के अंदर चला रहे थे एंड ही वॉज रनिंग द होल शो इन द हैनोई, ये हो ची मी डिसाइड करते हैं कि अब मुझे साउथ वियतनाम की तरफ जाना है, मुझे वियतनाम को यूनिफाई करना है, मुझे वियतनाम को इंटीग्रेट करना है। 1960s के दौरान में हो ची मी डिसाइड करते हैं अपने सैनिकों के साथ निकल के कि कैसे भी करके मैं साइगाव पहुंचूंगा। साइगाव एक ऐसी जगह थी जहां साउथ वियतनाम की पूरी शासन पद्धति चलती है। एंड इस तरह से बेसिकली हो ची मी ने एक पूरा का पूरा मार्च किया जिसे हो ची मी ट्रायल के रूप में पहचानते हैं। जैसे आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी पता होगा कि जब भारत की आज़ादी का आंदोलन हुआ तो गांधी जी ने इनफैक्ट अहमदाबाद के अंदर अपना मार्च शुरू किया था, सॉल्ट मार्च के रूप में हम लोग पहचानते हैं, और दांडी नाम की जगह के अंदर जाएंगे 1930 के दशक के दौरान। इसी तौर के ऊपर 1960s के दौरान वियतनाम का जो नॉर्थ एंड साउथ पोर्शन है उसको यूनिफाई करने के लिए हो ची मी वहां पर राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए यहां से पूरा का पूरा अपना एक मूवमेंट करेंगे अपनी आर्मी के साथ और अमेरिकन्स के साथ फाइट करते करते बेसिकली यहां साउथ वियतनाम को इंटीग्रेट कराने की कोशिश करेंगे। इसी को ही हो ची मी ट्रायल के रूप में पहचानते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड के हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायल हुआ करता था। ये ट्रायल के द्वारा हो ची मी ने ये दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपके पास क्षमता हो, आपके पास लीडरशिप हो, आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर इमोशंस हो लोगों को यूनिफाई करने के लिए, तो आप आज नहीं तो कल इनफैक्ट पूरी की पूरी अपनी जो कंट्री का फॉर्मेशन है उसके अंदर आप जरूर से जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से हमको पता चलता है कि हो ची मी ने अपना ट्रेल शुरू किया। ये हो ची मी ट्रेल के द्वारा बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो वियतनाम का यूनिफिकेशन होने की शुरुआत होती है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेसिकली हो ची मी नॉर्थ से साउथ वियतनाम चलने की कोशिश करेंगे और लेटर ऑन बेसिकली साउथ वियतनाम के लोगों को मोटिवेट करा के कहेंगे कि अब हमको यूनिफाई होना है, कैसे भी करके हम लोग को अमेरिकन्स के सामने फाइट करना है और ये जो अमेरिकन्स है उनको हम लोग डिफीट भी करेंगे। हो ची मी को पता था कि अगर उनको नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम जाना है एंड इफ विल गो टू द ट्रेडिशनल रूट, अगर वो ट्रेडिशनल रूट से जाते तो बीच में अमेरिकन्स उनके ऊपर बम गिरा सकते थे, उनके ऊपर अरेस्ट हो सकता था, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा सकता था। हो ची मी कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लाओस के रास्ते से जाएंगे, हम कंबोडिया के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये वो रिश्ता है बेसिकली, ये जो रास्ता है ये रास्ता जंगल के थ्रू जाता था और हो ची मी को पता था कि अगर मैं ये जंगल के रास्ते से निकला तो अमेरिका की नजर से भी मैं बच जाऊंगा और अपने लोगों को जो मैसेज कन्वे कराना है खास करके साउदर्न वियतनाम के लोगों को कि हम सब एक है, ये फॉरेन पावर्स आके हमको डोमिनेट नहीं कर सकते, उसके लिए हो ची मी बेसिकली यहां से साइड से निकलने का पूरा एक बंदोबस्त करेंगे और यहां से निकलेंगे साहब। तो हमको ये हो ची मी ट्रायल दिखता है। द स्टोरी ऑफ हो ची मी ट्रायल इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द वॉर दैट द वियतनाम इज फॉट अगेंस्ट द यूएस साहब, ठीक है। तो हो ची मी ट्रायल का सिग्निफिकेंस यही है कि किस तरह से वियतनाम इस यूएस के सामने फाइट करते हैं, हाउ द पीपल ऑफ वियतनाम फॉट अगेंस्ट द यूएस आर, ठीक है। इट सिंबलाइजेस हाउ द वियतनाम इज यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू ग्रेट एडवांटेज। वियतनाम के लोग अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज का आधार रखते हुए भी कैसे इनफैक्ट अमेरिकन के सामने फाइट करते हैं साहब, ठीक है। ये जो ट्रेल पूरा का पूरा था जिसके अंदर फुटपाथ रास्तों का उपयोग किया गया था, हो सके तो नॉर्थ से साउथ तक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी रहे, इसके लिए जंगलों के रास्तों से ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं। वी सी 1950 से लेकर 1970 के बीच में वहां 20,000 से ज्यादा नॉर्थ वियतनाम के जो सैनिक है वो नॉर्थ से साउथ वियतनाम की तरफ आएंगे। ये नॉर्थ से साउथ वियतनाम तक आ रहे थे तब इन्होंने बीच बीच के अंदर सपोर्ट बेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए और फिर वहां पे लोगों को कैरी करने के लिए इन्होंने ट्रक्स का शुरुआत की एट टाइम्स अगर आप देखोगे, और वुमेन का पार्टिसिपेशन भी आपको बड़ी मात्रा के अंदर दिखेगा। हमको पता चलता है कि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम का इंटीग्रेशन जब हो रहा था और हो ची मी की लीडरशिप के अंदर जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही थी तो उसमें लोगों को जो वुंडेड लोग थे जब युद्ध चल रहा था तो उनको मदद करने के लिए, उनको कैरी करने के लिए एट टाइम्स पॉटर का भी सहारा लिया जाएगा। 25-25 किलो तक ये पॉटर्स, ये वेट कैरी करने वाले लोग थे बेसिकली अपने कंधों के ऊपर, अपने अपने पीछे बैक के ऊपर या साइकिल के ऊपर बेसिकली 70 किलो तक वेट कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने की कोशिश करते थे। ये जो ट्रेल था बेसिकली आपके लाओस और कंबोडिया के अंदर था, उसके पीछे का कारण ये था क्योंकि अमेरिका यहां पे नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को इकट्ठा होना नहीं चाहता था, इसके लिए वो कंटिन्यूअसली सप्लाई लाइन को तोड़ने की कोशिश करता था। हमको एक चीज पता चलता है कि वियतनाम के लोगों ने एक चीज बताया कि कितनी भी बड़ी सुपर पावर हो, अगर आपके पास राष्ट्रवाद है, अगर आपके पास बेसिकली
फीलिंग्स है, अगर आपके पास इमोशंस है तो आज आज नहीं तो कल आप यूनिफाई होंगे, और आपको यूनिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता. नो वन कैन स्टॉप यू इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इफ यू हैव द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म. वियतनाम के अंदर भी इसी प्रकार का राष्ट्रवाद, इसी प्रकार की आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर हमको एक चीज समझ में आती है कि वियतनाम इस थॉट, वियतनाम इस आइडिया जो था वो काफी पॉपुलर हुआ, एंड दिस इज द बेसिस वी कम टू नो दैट द वियतनामिस कंसेप्ट और द वियतनामिस यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड. और 1970s तक आते आते ये जो वियतनाम है, ये वियतनाम पूरी तरह से यूनिफाई हो जाएगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो वी सी दैट ये वियतनाम का पूरा आपको एक सिग्निफिकेंस दिखेगा. ये हो चिमी अपने सैनिकों के साथ एक जगह से दूसरी जगह चलते थे, इनफैक्ट आपको दिखेगा तो इस प्रकार के कपड़े पहन के कैसे भी करके अपने आप को सपोर्ट करके ये लोग फाइट किया करते थे. अमेरिका ने जहां जहां इनके रास्तों के ऊपर बॉम्ब मारा था वहां पे ये लोग कंटिन्यूसली रीबिल्डिंग का प्रोसेस करते थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर सप्लाई लाइन टूट गई तो कंट्री यूनिफाई नहीं हो पाएगा. वियतनाम के अंदर अमेरिका ने बहुत मुंह की खाई, ये चीज हमको पता चलती है, क्योंकि अमेरिका ने वियतनाम के अंदर हजारों लाखों डॉलर्स का उन्होंने खर्चा निकाला अपनी सेना के पीछे. अमेरिका ने बहुत सारे सैनिकों को भेजा टू स्टॉप द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम एंड द हो ची मिन्ह कमिंग टू पावर. पर एक चीज हमको पता चलती है कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय हो, अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो, अगर आपके पास एक क्लियर कट गोल हो कि हम क्यों ये कर रहे हैं, तो आप बड़ी से बड़े सुपर पावर के सामने भी अपना लोहा मनवा सकते हैं. हो ची मिन्ह ने अपने आप को ये प्रूव किया और दुनिया को ये बताया कि अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश आपके ऊपर कितना भी बम डाले, पर अगर आपके पास पब्लिक का सपोर्ट हो, आपके पास स्मार्टनेस हो, तो आप जरूर से अपने जो गोल है उसको फुलफिल करेंगे. यूपीएससी के विद्यार्थियों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको लगता है कि यूपीएससी बहुत ही टफ एग्जाम है, तो सोचिए कि ये परिस्थिति के अंदर जब इन लोगों को लग रहा था कि इनको अपना कंट्री बनाना है, पर कंट्री बनाने के दौरान, कंट्री के फॉर्मेशन के दौरान जब वेस्टर्न पावर आपको जीना नहीं दे रहे हैं, आपका जीना हराम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इनफैक्ट यहां पे फाइट कर रहे थे और डटे रहे थे. ये चीज दर्शाती है कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क इवेंचुअली पेज ऑफ व्हेन यू हैव अ विल. आपके पास जब स्ट्रांग विल पावर होता है, इच्छा शक्ति होती है, तो आपको जरूर से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. खैर, हो ची मिन्ह का ये ट्रायल बहुत ही सिग्निफिकेंस है. हो ची मिन्ह 1969 के बाद उनका मृत्यु हुआ, पर धीरे 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 जो वियतनाम का यूनिफिकेशन है वो शक्य हो पाता है. 1970s के दशक तक आते आते वी सी दैट वहां पे पेरिस के अंदर ट्रीटी हुई. नेशनल जो आपकी लीग हुआ करती थी, जो हो ची मिन्ह की बेसिकली सेना हुआ करती थी, वो 1975 के अंदर साइगो के अंदर जाती है. साइगो बेसिकली आपके साउथ वियतनाम के मुख्य शहर था. हैनोई से साइगो का पूरी की पूरी जर्नी चली, करीबन 15 साल यहाँ पे लगे. 1976 के अंदर वियतनाम पूरी तरह से सोशलिज्म के आधार के ऊपर, यूएसएसआर की जो विचारधारा जहाँ से पॉपुलर हुई थी उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूड हो गया. तो हो ची मिन्ह अपने देश को यूनिफाई होते हुए ना देख पाए, पर हो ची मिन्ह ने फाइनली एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां उनकी गैरहाजिरी में भी वियतनाम फाइनली यूनिफाई हो पाया. समझे कि नहीं समझे, है ना. तो ये चीज आपको दर्शाती है, ये चीज आपको बताती है कि आप हो ची मिन्ह का जब कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एक लीडर के रूप में आपको दिखेगा, हो ची मिन्ह का कंट्रीब्यूशन आपको एक आइडियोलॉग के रूप में दिखेगा. हो ची मिन्ह का कंट्रीब्यूशन अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको कहां दिखेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द वियतमीन, जो बेसिकली उनकी सेना हुआ करती थी उसके आधार के ऊपर साहब, ठीक है ना. तो याद रखेगा कि एक तो आइडियोलॉजिकल इनकी एक लड़ाई थी. 1930 से लेके 1940s का जो पीरियड था, इस समय के दौरान वो आइडियोलॉजिकल फाइट कर रहे थे, खास करके यूरोप के अंदर बैठ के उन्होंने अपना पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर किया था, लोगों को मोटिवेट किया था कि हम लोग कम्युनिज्म के बेसिस के ऊपर जाएंगे. 1950s से लेके 1960s तक का जो पीरियड है, इस समय के दौरान, सिविल वॉर के दौरान, ये जो हो ची मिन्ह थे अपने समर्थकों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपनी सेना के साथ, बेसिकली नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम की जो पूरी की पूरी जो ट्रेल है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, और ये ट्रेल के द्वारा फाइनली इनफैक्ट वियतनाम का यूनिफिकेशन करेंगे साहब, ठीक है. तो आपको जैसे भारत के अंदर पूछता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के यूनिफिकेशन के अंदर, उसी तौर के ऊपर आपको पता होगा कि बिस्मार्क का योगदान क्या था मेनली इनफैक्ट इसके यूनिफिकेशन के अंदर, क्या कहते हैं, जर्मनी के यूनिफिकेशन के अंदर. उसी तौर के ऊपर हो ची मिन्ह का क्या योगदान है कि वो सिविल वॉर के दौरान एक तो बचते बचाते अमेरिका के सामने फाइट भी कर रहे थे,
साथों साथ वो साउथ वियतनाम के अंदर जो एक पपेट गवर्नमेंट थी उसके सामने भी फाइट कर रहे थे, अपने आप को सरवाइव कर रहे थे जंगलों के अंदर। अमेरिका ने बड़े बड़े गोले मारे, उसके बावजूद भी बचते बचाते फाइनली ये कंट्री को यूनिफाई कर पाए। ये चीज दर्शाती है कि हो ची मिन्ह ने इनफेक्ट अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और लोगों के अंदर जो लीडरशिप स्किल और एक्यूमेन दिखाई, इसके कारण उनका नाम वियतनाम के इतिहास के अंदर अमर हो गया साहब। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो ये चीज याद रखेगा, आपको जब जब हो ची मिन्ह के बारे में पूछा जाएगा, वेन एवर यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन हो ची मिन्ह कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है, इनका क्या योगदान आपको दिखता है, तो आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि हो ची मिन्ह का जो योगदान, हो ची मिन्ह का जो पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इतने पॉइंट्स के ऊपर हम लिख सकते हैं साहब, ठीक है ना? तो ये तो आपका हो ची मिन्ह का इंपॉर्टेंस हो गया, हो ची मिन्ह का योगदान आपको दिखेगा, हो ची मिन्ह ट्रेल मिल जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही है साहब, ठीक है? इनफैक्ट वियतनाम के अंदर आपको इस प्रकार की लेटर्स बहुत सारे पॉपुलर हुए थे जब वियतनाम का नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वियतनाम का यूनिफिकेशन चल रहा था। मिस्टर डू सैम करके एक कर्नल हुआ करते थे जो वियतनाम की आर्मी के अंदर थे, और उन्होंने बेसिकली 1968 के अंदर अपने लेटर के बारे में लिखा है कि किस तरह से वो अमेरिका के सामने फाइट कर रहे थे। उन्होंने अपने लेटर अपनी वाइफ को लिखे थे, ये अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे थे, तब वो बता रहे थे कि हमको कैसे देश को इकट्ठा करना है, मेनली इनफैक्ट अपने देश के प्रति उनकी वफादारी, अपने देश के प्रति उनका प्रेम कितना था, और बेसिकली कहते हैं कि किस तरह से सेक्रीफाइस हमको करने की आवश्यकता है। वो अपने वाइफ को लिखते हैं कि यू आस्क मी वॉट यू मिस मोस्ट ऑफ मी वेन यू थिंक ऑफ मी। इनफैक्ट वो अपने अपने वाइफ को पूछते हैं कि आप मुझे पूछिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो जब मुझे मिस करते हो। आई मिस द एनवायरमेंट ऑफ अवर वेडिंग, आई मिस द स्मॉल कोजी रूम विद द लॉट्स ऑफ मेमोरीज, आई मिस इनफैक्ट है ना, मैं बहुत सारी चीजें मिस करता हूँ, हमारी शादी को मिस करता हूँ, हमारा जो लाइफ था उसको मिस करता हूँ। राइट आफ्टर अवर वेडिंग आई हैड टू गो अगेन लीव टू द फाइट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री। वॉट अ शॉर्ट ऑफ टाइम वेड आई हैड बिफोर आई हैड टू स्टेशन परमानेंटली इन द साउथ। द मोर आई थिंक द मोर आई फील फॉर यू, देयरफॉर आई वुड हैव टू बी मोर डिटरमाइंड टू प्रोटेक्ट योर कंट्री इन ऑर्डर टू ब्रिंग हैप्पीनेस फॉर मिलियंस ऑफ कपल्स लाइफ अप। इनफैक्ट ये कहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचता हूं तो उतना मुझे याद भी आता है, पर मेरी सबसे पहले फर्ज ये है कि मैं कंट्री को जिस दिन यूनिफाई करूंगा तो हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कपल्स हैं, ये सब लोग को भी इनफैक्ट खुशी मिलेगी और इनके लिए भी अच्छा काम करूंगा। लास्ट नाइट द कार केप्ट हेडिंग साउथ, द मॉर्निंग आई एम राइटिंग यू सिटिंग ऑन अ स्टोन सराउंडेड बाय द साउंड ऑफ स्ट्रीम्स एंड द रसल ऑफ द ट्रीज एज इफ दे वर सेलिब्रेटिंग अवर हैप्पीनेस। लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे व्हेन वी कैन रिटर्न विक्टोरियसली, देन वी कैन लिव इन ग्रेटर हैप्पीनेस। कुडेंट वी विश यू गुड हेल्थ एंड मिस मी ऑलवेज साहब। अपनी वाइफ को बेसिकली लेटर लिखते हुए मिस्टर सैम बताते हैं कि मुझे याद रखिएगा, मैं आपको अच्छी जो हेल्थ है वो क्या कहते हैं कि विश करता हूँ, और कल मैं आपके बारे में सोच भी रहा था साहब, ठीक है ना? तो ये लेटर 1968 के अंदर छठे महीने के अंदर लिखा गया था। दो यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क टू कंट्रीब्यूट टू द विक्ट्री ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्रगल। आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ दैट ओनली वेन द साउथ इज लिबरेटेड एंड द पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू द पीपल, ओनली देन आई कुड बी फ्री टू फोकस ऑन बिल्डिंग अवर ओन हैप्पीनेस, ओनली देन आई कुड बी सेटिस्फाइड विथ अवर फैमिली लाइफ। भाई साहब ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि भाई जब तक साउथ को यूनिफाई नहीं करेंगे, जब तक साउथ को लिबरेट नहीं करेंगे, जब तक साउथ के ऊपर ये फॉरेन हेजिमनी के पावर्स जो है बेसिकली उनको हटाएंगे नहीं, तब तक हम लोग शांतिप्रिय रूप से मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरी खुशी उसी में ही है कि मैं साउथ को इंडिपेंडेंट कराऊं, मेरी खुशी इसी में ही है कि साउथ वाला जो रीजन है वो पूरी तरह से बेसिकली ये फॉरेन पावर्स के हाथ से चला जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको दर्शाता है कि वियतनाम के नेशनलिज्म किस तरह से चलता है। हर छोटे छोटे बेसिकली ग्रुप्स के अंदर भी हमको पता चलेगा कि वियतनामिश नेशनलिज्म यहां से चलता रहेगा साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक साइड के ऊपर वियतनाम का यूनिफिकेशन हुआ, अब सवाल ये आता है कि वियतनाम के यूनिफिकेशन में किन्होंने रोल प्ले किया था, हु हैड द रोल प्ले इन द वियतनामिस यूनिफिकेशन साहब, और किन किन लोगों ने वियतनाम को एक नेशन के रूप में कंट्रीब्यूट किया था साहब। तो एक तो मैंने आपको हो ची मिन्ह के बारे में बताया क्योंकि ही वॉज द वन बेसिकली जो एक लीडर के रूप में थे, पर आपको भी पता है कि नेता भले एक हो अगर इसको अच्छी सपोर्टर्स का ग्रुप नहीं मिलता है, अगर इसको अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं मिलते, तो इसकी विचारधारा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब हम लोग वियतनाम की भी बात करेंगे, व्हेन वी बी टॉकिंग अबाउट वियतनाम, हमको एक चीज पता चल रही है कि वियतनाम के अंदर जो पूरे के पूरे सोशल मूवमेंट हुआ उसमें हो ची मिन्ह ने एक चीज बहुत बड़ी की थी, वो थी वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा। जैसे गांधी ने बेसिकली भारत के अंदर आके वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाया, वैसे ही हो ची मिन्ह के समय के दौरान भी आपको वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ने की शुरुआत होगी साहब। और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि वियतनाम का जो नेशनल मूवमेंट है उसमें रोल ऑफ वुमेन एक बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा। अब देखिए कि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं।
एक बार ऑलरेडी यूपीएससी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर पूछ दिया था कि भारत के आजादी के आंदोलन के अंदर वुमेन का रोल क्या था साहब, ठीक है ना। ये मैंने स्पेशल क्लास के अंदर कराया हुआ है, आप में से जितने भी लोग अनअकैडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो प्लीज मेरी प्रोफाइल में जाके देखिए, आपको स्पेशल क्लासेस के अंदर रोल ऑफ वुमेन का टॉपिक दिखेगा, वेर आई हैव कैटेगरिकली डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट एंड हाउ द वुमेन बेसिकली वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द नेशनलिज्म साहब, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा प्रोमिनेंट पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखेगा, आपको यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स भी आपको इसके अंदर से इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत इसके अंदर से फोकस करिएगा, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में जहां जहां राष्ट्रवाद के लिए आंदोलन हुआ, जहां जहां राष्ट्रवाद की विचारधारा को पॉपुलरिटी दी गई, वहां पर वुमेन का रोल प्ले बहुत दिखेगा। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, किसका रिवॉल्यूशन साहब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी आपको रोल ऑफ वुमेन दिखेगा साहब, ठीक है ना। एवरीवेयर आपको रोल ऑफ वुमेन दिखेगा, वियतनाम के अंदर भी रोल ऑफ वुमेन दिखता है, इनफैक्ट वुमेन पार्टिसिपेटेड इन वेरियस वेज साहब, ठीक है ना। तो याद रखेगा कि स्त्रियों का योगदान वियतनाम के अंदर कैसा रहा है, वॉट हैज बीन द रोल ऑफ वुमेन इन दी वियतनामिस नेशनलिज्म, वियतनाम के आजादी के आंदोलन के अंदर स्त्रियों का योगदान किस तरह से मिलता है। अब आप समझिए, हम लोग जब जब वियतनाम के आजादी के आंदोलन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलता है कि वुमेन का रोल वियतनाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों था साहब, ठीक है ना। उसके पीछे के कारण मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनको बेसिकली थोड़ी इक्वालिटी थी कंपेयर टू चाइना साहब। चाइना थोड़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हुआ करता था और चाइना के अंदर स्त्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं थे साहब इन द ओल्डर पीरियड साहब, ठीक है। वियतनाम के अंदर आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी साहब, ठीक है ना। वियतनाम के अंदर वुमेन को थोड़ी बहुत इक्वालिटी थी, इक्वालिटी का मतलब है मैन और वुमेन इक्वल काम करते थे, उनको लिबर्टी थी, वो अपने हिसाब से सोच सकती है, अपने हिसाब से अपना करियर के बारे में भी इनफैक्ट डिसाइड कर सकती है साहब, ठीक है ना। तो दे हैड लिमिटेड चॉइस टू डिटरमाइन द फ्यूचर बट दे प्लेड नो रोल इन द पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में इनका योगदान नहीं था बट इनफैक्ट इनके पास अपने फ्यूचर को लेके थोड़े बहुत डिसीजन पावर हुआ करते थे। होता यह है कि वियतनाम में 1930s के दौरान ये जो नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, ये नेशनल मूवमेंट ज्यादा मजबूत हुआ, तो वुमेन का स्टेटस भी बदल गया। जैसे आपको पता होगा कि 1930 के दौरान भारत के अंदर भी यही होगा, 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया था, आपको याद होगा हमने पिछले क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के अंदर होता है उसका परिणाम क्या हुआ था, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट। 1930s के दौरान जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के अंदर हुआ उसका आउटकम ये होता है कि जहां बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यू विल फाइंड इन अ ह्यूज नंबर्स वी डू गेट द इंस्टेंसेज जहां वुमेन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर, वी डू गेट इंस्टेंसेज वेर द वुमेन विल बी पार्टिसिपेटिंग द लार्ज नंबर साहब, ठीक है। वियतनाम के अंदर भी यही होगा कि एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू द स्टेटस ऑफ द वुमेन केम टू बी क्वेश्चन एंड अ न्यू इमेज ऑफ वुमेनहुड इमर्ज साहब, ठीक है ना। तो वुमेनहुड का एक नया इमर्ज इमेज उभर के आया साहब। राइटर्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स बिगैन टू आइडियलाइज वुमेन हु रेबेल्ड अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स साहब, है ना। तो बहुत सारी स्त्रियों को लिखने की बात होती है, बहुत सारी स्त्रियों को हाईलाइट किया गया। जैसे 1930 के दौरान आप देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर आपको सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा रोल प्ले दिखेगा, सरोजिनी नायडू वाज वेरी बिग लीडर साहब बाय दैट टाइम साहब, ठीक है। उसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको मणिबेन दिखेंगे, मणिबेन वाज दी डॉटर ऑफ वल्लभ भाई पटेल साहब, शी वाज पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर साहब, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमको यहां दिखेंगे, वी डू गेट मेनी इंस्टेंसेज एंड वी डू गेट मेनी पॉइंट्स जहां पे वुमेन का रोल आपको बहुत दिख जाता है। वियतनाम के अंदर भी हम लोग जब बात करते हैं तो 1930 के दौरान वुमेन लीडर्स को अब समाज एक्सेप्ट करने की शुरुआत करता है और कहता है कि नहीं नहीं हम स्त्रियों को इक्वल अधिकार देते हैं, तो इवन दे हैव द राइट एंड अथॉरिटी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच फोर्सेस साहब, ठीक है ना। तो वियतनाम में भी होता यह है कि 1930 के दशक के दौरान जिन जिन स्त्रियों ने सामाजिक रीति रिवाज को, सामाजिक नियमों को तोड़ा था, उनको बहुत मोटिवेट किया जाता था और उनको एक रेबेल के तुरे देखा जाता था साहब, ठीक है ना। रेबेल का मतलब है कि विद्रोही साहब, ठीक है। अब देखिए कि जब भी कोई स्त्री सामाजिक नीति नियम या सामाजिक बंधनों को तोड़ती है तो उससे बड़ा बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको दिखेगा साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो 1930s के दौरान एक फेमस नॉवल हुआ करती थी नैट लिन साहब, ठीक है ना। ये एक नैट लिन ने बेसिकली एक नॉवल लिखी थी जहां एक वुमेन के बारे में बात किया गया है जो बेसिकली अपने मैरिज को लेकर बहुत दुखी थी क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था कि उनका विवाह बलजबरी से किसी और के साथ कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने वो शादी
तोड़ दी, और शादी तोड़ने के बाद बेसिकली उन्होंने अपनी जो साथी थे जिनको वो पसंद करती थी उनके साथ उन्होंने शादी की साहब, ठीक है ना। तो ये जो रेबेलियंस होता है इसके कारण होता है कि वियतनाम के अंदर ऐसी बहुत सारी स्त्रियों को मोटिवेशन मिला कि वो कल्चर को, सोशल कस्टम्स को, जो भी ट्रेडिशंस थे उसको तोड़ेगी, और सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को तोड़ेंगे तो एक रिबेलियन के रूप में आएगी। अब उस दौरान इनफैक्ट ये जो फ्रेंच अथॉरिटीज थी उनके सामने भी स्त्रियों को फाइट करने का मन हो रहा था, उनको भी लग रहा था कि ये फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच सरकार जो है हमारा शोषण कर रही है। उसके बाद आप देखोगे तो जब अमरीका आया तो अमरीका के सामने भी हमको दिखेगी साहब, ठीक है ना। तो वुमेन को एक रिबेल्स के रूप में आपको दिखेगा साहब, ठीक है। इंडिया के अंदर भी आपको वुमेन पार्टिसिपेशन दिखेगा एज अ रिबेलियन, आपको बहुत सारी स्त्रियां दिखती हैं। जैसे आप देखोगे तो कल्पना दत्त जोशी मिलेगी आपको, कल्पना दत्त जोशी साहब, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। या आपको दूसरी एक लेडी दिखेगी, प्रीतिलता वाडेदार, प्रीतिलता वाडेदार करके जो लेडी है शी वॉज ऑल्सो फाइटिंग एंड शी वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एज अ वुमेन रिवॉल्यूशनरी साहब, वो क्रांतिकारी थी साहब, ठीक है ना। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इनका योगदान 1930 के दशक में बंगाल के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दिखेगा, और बंगाल के अंदर खास करके 1930s की बात करेंगे तो बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना है बेसिकली इतनी मजबूत थी कि जहाँ पे इनफैक्ट हमको एक चीज़ पता चल रही है कि एक एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था सूर्या सेन। सूर्या सेन की अध्यक्षता में चिटगांव के अंदर बहुत विद्रोह हुआ था, और वहाँ पे बेसिकली वुमेन रिवॉल्यूशनरीज ने भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो वैसे एक वुमेन रिबेल्स के रूप में दिखेगी, सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस को तोड़ते हैं। भारत की बात करेंगे तो आपको इनका नाम दिखेगा, या आपको एक और लेडी दिखेगी दुर्गा भाभी साहब, ठीक है। दुर्गा भाभी एक्चुअली उनका नाम आप देखोगे तो शी वॉज द वाइफ ऑफ भगवती चरण वोहरा साहब, ठीक है। शी वॉज द वाइफ ऑफ भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा बेसिकली ये HSRA करके जो बॉडी हुआ करता था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उनके सदस्य हुआ करते थे। तो वी सी मेनी इंस्टेंसेज, हमको बहुत सारे इंस्टेंसेज दिखे, हमको बहुत सारे इवेंट्स दिखे साहब जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन मिलता है। भारत के अंदर जैसा था वैसे ही वियतनाम के अंदर था। इनफैक्ट वियतनाम के अंदर भी 1930 के दशक में जो जो वुमेन लीडरशिप उभर के आई उसमें खास करके हिस्ट्री के अंदर बहुत फोकस किया गया है, और हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो उन्होंने अपना जो वियतनामिस नेशनलिज्म है वहाँ पे इन्होंने बेसिकली हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को बहुत मान्यता दी। जैसे भारत की हम लोग बात करेंगे तो आपको एक फोटोग्राफ दिखेगा भारत माता का, याद आया कि नहीं आया आपको? हमने पिछले क्लास के अंदर भारत माता के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस चैप्टर हम लोग जब पढ़ रहे थे तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको भारत माता के कंसेप्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कराया था साहब, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। इवन इनफैक्ट हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिबल वुमेन थी जिन्होंने ऐतिहासिक रूप में अपना योगदान दिया था वियतनाम के अंदर साहब, ठीक है। तो एक समय की बात है जहां वियतनाम के अंदर करीबन फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का पीरियड है, पहली शताब्दी के आसपास का पीरियड है, वहां पे बेसिकली दो सिस्टर्स के बारे में एक पॉपुलैरिटी बहुत होती है जिनका नाम था ट्रुंग सिस्टर्स। तो इन्होंने क्या किया कि रिवाइवल पॉलिटिक्स अपनाए। रिवाइवल पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि पुराने समय की कोई वुमेन थी उनके एक एग्जाम्पल सेटअप किए और कहा कि देखिए ये दोनों बहनें वियतनाम को फर्स्ट सेंचुरी के अंदर चाइनीज प्रभाव से बचा रही थी, दिस टू लेडीज वर बेसिकली हेल्पिंग द वियतनाम फ्रॉम द चाइनीज इन्फ्लुएंस, अब है ना। तो उसी को ही रिवाइव किया जाता है। 1913 के आसपास का समय वियतनाम के अंदर बहुत सारा लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, ये लिटरेचर के अंदर बेसिकली हिस्ट्री को हाईलाइट करते हुए कहा गया कि देखो इतिहास में हमारी वियतनाम की जो स्त्री थी वो कितनी पावरफुल थी कि चाइना के सामने भी फाइट कर रही है साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये जो नाटक लिखा जाता है एक मिस्टर फैन बॉय चू जो बेसिकली वियतनाम के रिवाइवलिस्ट लीडर थे, इनके नाटक को बहुत सारा पॉपुलराइज किया गया, बहुत लोगों ने इनको सराहा और कहा कि देखिए ये लोग कितनी सारी बड़ी मात्रा के अंदर चाइना के सामने फाइट करते हैं, चाइना की सेना के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा एक बहुत ही सुप्रीम सेक्रीफाइस दर्शाने की कोशिश की है। तो वुमेन वर कंसिडर्ड एज हीरोज ऑफ द पास्ट टाइम, वुमेन वर कंसिडर्ड एज लेबर साहब, ठीक है। तो इसी के कारण होता यह है कि बहुत सारे वुमेन लीडरशिप को हाईलाइट कराने की कोशिश की गई, उनके पर्सनल लाइफ को हाईलाइट कराने की कोशिश की गई। जैसे थर्ड सेंचुरी के एक स्त्री के बारे में बात की गई है, ट्रेयू, जो बेसिकली अपने भाई के साथ रहती थी, और पता चलता है कि चाइना ने जब वियतनाम के ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने बेसिकली आर्मी के सामने फाइट की, और बेसिकली इनका जो योगदान था फाइनली व्हेन शी पास्ड अवे तो बहुत बड़ा नेशनलिज्म की इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, लोग इनको एक आइडल के रूप में मानने की शुरुआत करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हमको बहुत सारे वियतनामिस कल्चर के अंदर एक आइडल्स मिलने की शुरुआत होती है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। ये इमेज जो है ये ट्राई ऊ करके जो वियतनाम की लेडी थी उनका इमेज आपको दिखेगा। धीरे 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 जब 1930s, 1940s, 1950s का पीरियड आया और वियतनाम के अंदर सिविल वॉर होता है तो अब स्त्री धीरे 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 हाथ में बंदूक लेते हुए भी आपको दिख जाएगी साहब।
ठीक है ना। सो वी सी दैट स्टोरीज अबाउट वुमेन शोड देम द ईगर टू ज्वाइन आर्मी साहब। एक हाथ में बंदूक है, सर के ऊपर वियतनामी कैप पहनी हुई है, कैन यू सी ओवर हियर, अगर आप देखोगे तो सर के ऊपर इन्होंने जो टोपी है वो वियतनामी कैप पहनी है। ये जो स्टाइल है ड्रेसिंग है बेसिकली ये फ्रेंच स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, अगर आपको ना पता हो तो। ये जो कपड़ा पहना है ये फ्रेंच स्टाइल पहना है क्योंकि फ्रेंच लोग इस प्रकार की कपड़े पहनते थे बेसिकली, क्योंकि फ्रांस का प्रभाव था वियतनाम के ऊपर। और इस प्रकार की स्त्री आपको देखेगी पूरे वियतनाम के अंदर जब सिविल वॉर होता है साहब, ठीक है, 1950s और 1960s के दौरान में जब अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया तो बहुत सारी स्त्रियां जो थी वो वॉरियर के रूप में उभर के आई और इन्होंने कहा कि भाई देखिए हम हमारे देश को यूनिफाई करने के लिए फाइट कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका जैसी बड़ी सी बड़ी ताकत आ जाए हमारे कंट्री का यूनिफिकेशन वो स्टॉप नहीं कर सकते। सूनर और लेटर वियतनाम विल बी वन कंट्री, सूनर और लेटर वियतनाम विल बी एस्टैब्लिश्ड एज अ सिंगल पॉलिटिकल फोर्स, आप गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इन स्पाइट ऑफ वी सी द अमेरिकन हेजेमनी वी फाइंड द पिक्चर्स ऑफ वुमेन मिलिशिया शूटिंग डाउन द प्लेन्स। अमेरिका जब वहां प्लेन से आक्रमण करता था ये लोग नीचे से गोली मार के उसको गिरा देते थे साहब, ठीक है। दे वर पोर्ट्रेट एज यंग ब्रेव एंड डेडिकेटेड सोल्जर्स हु वर फाइटिंग फॉर द नेशन साहब। इनके लिए बहुत सारी कहानियां लिखी गई जहां बेसिकली ये लोग हैप्पीली राइफल कैरी करते हुए यहां से चलते हैं साहब, ठीक है। इनकी स्टोरीज को हाईलाइट कराया गया कि कैसे इनकी ब्रेवरी दिखती है, किस तरह से इन्होंने बड़े बड़े अमरीकी और बेसिकली क्या कह सकते हैं कि अमरीकी सोल्जर्स को और अमरीकी फोर्सेस को इन्होंने डिफीट किया, किस तरह से अपने दुश्मनों को इन्होंने गोली मारी साहब, ठीक है। तो वी सी दैट वुमेन्स वर रिप्रेजेंटेड एज अ वॉरियर बट ऑल्सो एज अ वर्कर साहब। तो इनका योगदान ऐसा भी था कि वुमेन्स ने अलग अलग प्रकार से रोल प्ले किया। कुछ कुछ स्त्री ऐसी थी जो सेना के अंदर भी भागीदार रहती है, दूसरी स्त्री ऐसी भी थी जो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करती है, जो अपने देश को बचाने के लिए अपने देश को बेसिकली यूनिफाई करने के लिए अलग अलग प्रकार से योगदान दिखेगी साहब, ठीक है। तो वुमेन वर सीन एज वॉरियर्स इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब वियतनाम के अंदर सिविल वॉर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ता है तो बहुत बड़ी मात्रा में वुमेन भी पार्टिसिपेट करेगी। इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ कुछ हमारे में से तो वॉरियर बनेगी, कुछ कुछ स्त्रियां सोल्जर के रूप में काम करेगी, हर एक स्त्री तो सोल्जर के रूप में काम नहीं कर सकती। कुछ कुछ लोगों ने हेल्प करने की शुरुआत की, खास करके नर्सिंग के अंदर। कुछ कुछ स्त्री बेसिकली आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको दिखेगी। हमको ये भी पता चलता है कि कुछ कुछ स्त्री वहाँ पे बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है एज अ लेबर, एज अ वर्कर, अलग अलग प्रकार का जो भी इनफैक्ट जरूरत थी उन सब के अंदर भी स्त्रियों ने योगदान दिया। मैनी वुमेन रिस्पॉन्डेड एंड ज्वाइन द रेजिस्टेंस मूवमेंट, दे हेल्प्ड इन नर्सिंग द वुंडेड, कंस्ट्रक्टिंग द अंडरग्राउंड रूम्स टनल्स एंड फाइटिंग अगेंस्ट द एनिमी साहब, ठीक है। दुश्मन के सामने लड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन के अंदर भी योगदान देता है। देखो स्त्रियों का योगदान क्या था, इस तरह से हमको पता चलता है। हो ची मिन का जो ट्रायल चलता है उस समय के दौरान बेसिकली बहुत सारे रास्ते खोले गए क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करनी थी। वहां पे भी आपको वुमेन पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा। इन लोग ने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाए, 6 से ज्यादा एयर स्ट्रिप्स बना दी है। अमेरिका ने जो बॉम्ब डाले थे उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किया साहब, बहुत सारा कार्गो वेपन। और बेसिकली जब अमेरिका ने वहां पे प्लेन निकाल के इनको ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश करता था तो यही वियतनाम की वुमेन, वही वियतनाम की स्त्री यहाँ पे बम को या बेसिकली प्लेन को गिराने का भी काम करती थी। यू कैन इमेजिन कि करीबन 1965 से 1975 के बीच में ये जो नॉर्थ से साउथ वियतनाम का ट्रेल था उसमें 17,000 लोगों ने काम किया था। ये 17,000 में से करीबन 70% जो थी वो वुमेन हुआ करती थी। यू कैन सी हाउ वुमेन पार्टिसिपेशन मेड अ वेरी बिग इंपैक्ट साहब। इसके कारण वियतनाम की बारे में इनफैक्ट कहा जाता है कि करीबन 1.5 मिलियन वुमेन के आसपास पार्टिसिपेशन था टोटल अलग अलग फॉर्म्स के अंदर साहब, है ना। वो लोकल हो गई, प्रोफेशनल हो गई, रेगुलर आर्मी हो गई। करीबन 15 लाख स्त्रियों ने योगदान दिया था वियतनाम को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, वियतनाम को यूनिफाई कराने के लिए। वियतनाम के अंदर बेसिकली स्त्रियों का योगदान अलग अलग तरह से चलता है। 1970s के बाद की जब हम लोग बात करते हैं, जब वियतनाम के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो यही वुमेन बेसिकली अब वर्कर्स के रूप में भी काम करेगी, खेतों के अंदर भी काम करेगी, फैक्ट्रीज के अंदर भी काम करेगी, प्रोडक्शन यूनिट में भी काम करेगी, मेडिकल हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के रूप में भी काम करेगी। यू कैन इमेजिन कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन ना होता तो वियतनाम एक कंट्री के रूप में आप जिसे सोच रहे हो कि एक उसका फॉर्मेशन हुआ वो शायद ना हो पाता साहब, है ना। तो हमेशा याद रखेगा कि वियतनाम का सोशल बेस में वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत दिखेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोल ऑफ वुमेन इन द वियतनामीज नेशनल मूवमेंट साहब, ठीक है। ये जो वियतनाम के अंदर डीकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया चलती है इसमें स्त्रियों का क्या योगदान था। अमेरिका और बेसिकली रशिया के द्वारा जो सिविल वॉर की शुरुआत हुई, यूएसए और यूएसएसआर के प्रभाव के द्वारा जो वियतनाम को पूरी तरह से एक करने की बात की जा रही है साहब, ठीक है,
उसके अंदर किस तरह से इनफैक्ट स्त्रियों का योगदान दिखता है। तो जब जब आपको वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेगा तो यू शुड नॉट सी फ्रॉम द मायोपिक परस्पेक्टिव। आप लोग के साथ होता क्या है कि आप जब कोई भी चीज़ को देखते हो तो सिलेबस के सेंट्रिक पढ़ने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी साहब, है ना। तो नेशनल मूवमेंट के अंदर स्त्रियों का योगदान हर जगह दिखेगा, भारत में भी दिखता है। 1930s के दौरान मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के आगमन के बाद स्त्रियों की भागीदारी बढ़ेगी, वैसा ही आपको वियतनाम के अंदर भी दिखेगा जो डीकोलोनाइजेशन के पर्सपेक्टिव के साथ जोड़ा गया है साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखते रहते हैं। वी फाइंड बोथ दिस पॉइंट्स जो वियतनामिस नेशनलिज्म के साथ जुड़ेंगे साहब और डीकोलोनाइजेशन के साथ भी जुड़ेंगे साहब, ठीक है ना। खैर वियतनाम के अंदर 1975 तक आते आते फाइनली पीस एस्टेब्लिश हुआ, और ये जो पीस था मैंने आपको बताया कि 1976 के अंदर वियतनाम एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में उभर के आ गया। आखिर के अंदर ये चैप्टर को कंक्लूड करते हुए एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दिया है, उसको देखेंगे और उसके बाद कंक्लूड करते हुए जाएंगे। द वॉर एंडेड और उसके बाद बेसिकली अमेरिका की हालत बहुत खराब हो जाती है। हमको पता चलता है कि जो बेसिकली नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच संघर्ष हुआ उसके अंदर अमेरिका ने जो ऑब्जेक्टिव सोचे थे वो फुलफिल नहीं हो पाए। अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि वियतनाम के अंदर पूरी तरह से हम लोग नॉर्थ साउथ का यूनिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और पूरी तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो नॉर्थ की हो ची मिन्ह की सरकार है उसको गिरा देंगे, वो कुछ होता नहीं है। अमेरिका लॉस्ट वन ऑफ द यूथ ऑफ द सोल्जर्स, उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अपने सैनिक गुमाए, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वियतनाम के नागरिकों का मृत्यु हुआ। इनफैक्ट ये युद्ध था जो पहली बार टीवी के अंदर भी दिखाया गया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1970 तक आते आते पूरे विश्व के अंदर टेलीविजन की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों को पता था कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, बैटल सीन्स दिखा के लोगों को मोटिवेट कर रहा था। अमरीका के अंदर बेसिकली ऐसी सिचुएशन हो गई थी जहाँ लोगों ने इनफैक्ट एट टाइम्स सरकार को क्रिटिसाइज किया, और वियतनाम के अंदर जो नॉर्थ वियतनाम के लोग थे उनको मोटिवेट करते हुए कहा कि भाई ये लोग देखिए कितनी बहादुरी से फाइट करते हैं। इनफैक्ट नोम चोम्स्की, अगर आपको पता होगा, वो बहुत बड़े थिंकर है साहब, वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द पीस टू द नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। साहब अमरीका की जो ये युद्ध था वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो बेसिस है उसको विरोध करने वाला था, क्योंकि वियतनाम यूनिफाई करना चाहता था, अमेरिका मना करता था साहब, ठीक है। तो इनको कभी पढ़िएगा नोम चॉम्स्की को साहब, है ना, क्यों ये कहते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाई नोम चॉम्स्की कॉल्ड द वियतनाम वॉर एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द पीस टू द नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द इंटरनेशनल कोऑपरेशन साहब, ठीक है। क्योंकि अमरीका नहीं चाहता था कि उसकी हेजेमनी टूटे, अमरीका नहीं चाहता था कि वियतनाम एक हो, पर वियतनाम ने प्रूव करके दिखाया कि हम लोग कैसे एक हो सकते हैं साहब, ठीक है। द वाइड स्प्रेड क्वेश्चनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रेंथन द मूव टू नेगोशिएट द एंड ऑफ द वॉर, अ पीस सेटलमेंट was signed in Paris in 1974. This conflict ended with the US, but the fighting between the Saigon and the NLF continued, sir. North and South Vietnam के बीच में संघर्ष चालू रहा। 1975 के अंदर NLF जो नॉर्थ वियतनाम की सेना थी वो साइगोन के अंदर एंटर करती है और वियतनाम का यूनिफिकेशन कंक्लूड हुआ। इस तरह से हमको पता चला कि जो आपका साउथ वियतनाम है और नॉर्थ वियतनाम है उसका यूनिफिकेशन होता है, भारत मिलाप होने की शुरुआत होती है और वियतनाम एक कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हुआ साहब, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि वियतनाम की कहानी कैसे चलती है, हाउ द स्टोरी ऑफ वियतनामिस नेशनलिज्म वर्क साहब, ठीक है। वियतनाम की शुरुआत जब हम लोग करने की करेंगे शुरुआत देखने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलता है कि 1880s में फ्रेंच लोगों ने इसकी कॉलोनियाइजेशन करने की शुरुआत की, और फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के कारण धीरे 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 वियतनाम को बेसिकली इन्होंने अपने रंग के अंदर लाने की कोशिश की। समय धीरे धीरे आगे गया, एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस्ड व्हाट डू वी फाइंड, हमको एक चीज़ दिख रही है कि वियतनाम को इन्होंने पूरी तरह से अपने कलर में लाने की कोशिश की, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स की 1880 से एज एंड व्हेन द टाइम प्रोग्रेस हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि वियतनाम के अंदर इन्होंने फ्रेंच कल्चर फ्रेंच एजुकेशन फ्रेंच बेसिकली लाइफस्टाइल को इम्प्रूवाइज करने की कोशिश की। और उसके बाद 1920s तक आते आते हमको ये पता चला कि वियतनाम के अंदर नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। ये वियतनामिस नेशनलिज्म के अंदर इनिशियली हमको पता चलता है कि दो ग्रुप उभर के आए थे, एक मॉडरेट था दूसरा एक्सट्रीमिस्ट था। इसी वियतनाम के अंदर 1930 के अंदर हमको पता चलता है कि हो ची मी करके लीडर आए जिन्होंने वियतनाम को एक नए आधार के ऊपर रास्ता दिखाया, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म साहब।
और यही हो ची मिन ने बेसिकली फ्रेंच को 1945 के अंदर से नॉर्थ वियतनाम हैनोई के अंदर से डिफीट किया, और उसके बाद 1954 तक आते आते अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। प्रॉब्लम यह हुआ कि साउथ वियतनाम उस टाइम के अंदर इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स हो ची मिन डिसाइड करता है कि मैं नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को यूनिफाई करके रहूंगा कैसा भी हो जाए। और इसी के बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि 1954 ऑनवर्ड से 1954 से लेके करीबन 1975 तक यहाँ पे वियतनाम के अंदर नॉर्थ वर्सेस साउथ वियतनाम है संघर्ष हुआ। इसी को ही बेसिकली वियतनाम का सिविल वॉर कहते हैं, और ये सिविल वॉर के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नॉर्थ वियतनाम इनफैक्ट अपना दबदबा बना रहे। कहानी ये चलती है कि अमेरिका 1975 तक अपना हाथ ऊपर कर देगा और वियतनाम फाइनली यूनिफाई हो जाता है। एक चीज़ हमको पता चलती है कि जब जब राष्ट्रवाद आपके अंदर आएगा, जब जब आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग इंटीग्रेट होगी, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझे कि नहीं समझे? एज एंड वेन यू हैव द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दुनिया की कितनी भी बड़ी सुपर पावर आ जाए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसी को ही राष्ट्रवाद पहचानते हैं साहब। समझे कि नहीं समझे? है ना? ये चैप्टर और ये जो सेक्शन है आपकी एनसीईआरटी का, यहाँ पे खत्म करता हूँ। आई एम कंक्लूडिंग दिस चैप्टर एंड द सेक्शन ऑफ द एनसीईआरटी, जहाँ पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म का पर्सपेक्टिव है एक दो और तीन का, उसको मैंने खत्म करवा दिया है साहब। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मिलूंगा तो आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द लाइवलीहुड एंड द इकोनॉमीज, और उसके बाद हम लोग सेक्शन टू ऑफ दिस बुक के अंदर जाएंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई दुनिया के अंदर, और किस तरह से बेसिकली धीरे 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 वर्ल्ड का जो इतिहास है या वर्ल्ड की जो मूवमेंट है वो किस तरह से चेंज होती है साहब। ठीक है, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, पर आज के सेशन के अंदर हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई विल कंक्लूड द सेशन टुडे साहब। ठीक है, होपफुली मैंने आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बता दिए हैं कि इनके क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या थी साहब, हो ची मिन्ह का इंपॉर्टेंस क्या है, वुमेन सोल्जर का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन इन द एंटी इंपीरियल स्ट्रगल इन वियतनाम, कंपेयर दिस विद द रोल ऑफ द वुमेन इन द नेशनल स्ट्रगल इन इंडिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया, सरोजिनी नायडू, प्रीतिलता वाडेदार, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी इनफैक्ट हमको क्या दिख रहा है, वी कम टू नो दैट देर इज सो मच पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन साहब, है ना। इवन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वी डू गेट एविडेंसेस दैट द वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज देयर। द प्रॉब्लम विद द वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज वॉट, भारत की आज़ादी के आंदोलन के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन का एक प्रॉब्लम ये था कि वुमेन का योगदान एक सिम्बॉलिक योगदान था। दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन वॉज काइंड ऑफ वेरी सिम्बॉलिक, एंड बिकॉज द वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज वेरी मच सिम्बॉलिक, वी फाइंड सर्टन लैक्यूनेस। और जो वियतनाम के अंदर था वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था साहब। वुमेन रिबेल के रूप में थी, सोशल कस्टम्स को तोड़ रही है, वुमेन वॉरियर के रूप में थी, वुमेन वर्कर के रूप में थी, वुमेन एक डॉक्टर के रूप में है, वुमेन एक इंडस्ट्रियल लेबर के रूप में है साहब। तो हम लोग को पता चलता है कि वुमेन यहाँ पे बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी के रूप में आई साहब, और वियतनाम के अंदर वुमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में रहा। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ 1.5 मिलियन के आसपास आंकड़ा बताया जा रहा है, मतलब 15 लाख स्त्रियों ने योगदान दिया। भारत की आज़ादी के अंदर हमको 15 लाख स्त्रियों का योगदान नहीं दिखेगा साहब, केड़ी मो पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट आपको बहुत प्रोमिनेंट इसके अंदर से होता है। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर इन वियतनाम, मैंने आपको बताया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आए साहब। ठीक है, इसके लिए वो वही पूरा एक कारण था साहब। वॉट इफेक्ट डिड द इन्वॉल्वमेंट हैव ऑन द लाइफ विद इन द यूएस इटसेल्फ, यूएस के अंदर ही बंटवारा हो गया, सरकार की लोगों ने कड़ी निंदा कर दी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप इतने छोटे से कंट्री के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो, इन लोग ने आपका क्या बिगाड़ा है, वॉट हैव द वियतनामीज पीपल लाइक नो डन टू यू, आपकी कोई क्या कुटाई कर दी है क्या, आपका अपमान कर दिया है, आप क्यों इतना परेशान कर रहे हो वियतनाम वाले लोगों को साहब। ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है जो वियतनाम के साथ जुड़े हुए, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू वियतनाम। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर से सिग्निफिकेंस था। हम लोग आज का सेशन यहाँ पे इतना ही रखते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आज हमारे साथ आइए क्लासेस के अंदर, 7 बजे मेरा लाइव सेशन है, एंड इन दिस लाइव सेशन आई बी टॉकिंग अबाउट द वाइस रॉय साहब। ठीक है ना, ये तीसरा पार्ट है, एक्चुअली मैं 2 दिन से ले रहा हूँ, मैंने 24 फरवरी को भी लिया था, फिर 25 फरवरी को भी मेरा एक क्लास था शाम को ही साहब, आज 26 फरवरी है, आज भी 7 बजे क्लास है साहब,
एंड करीबन डेढ़ डेढ़ घंटे के आसपास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ द डिफरेंट वाइस रॉयस इन इंडिया. यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस क्लासेस. ये फ्री होते हैं, इसके लिए कोई आपको फीस नहीं देनी होती है. पी एन लाइव खाली ये अनलॉक कोड यूज करना है साहब, है ना. अनलॉक कोड का मतलब है कि खाली जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो पूछेगा कि आपको ज्वाइन करना है, हैव यू गॉट एनी कोड साहब, ठीक है. तो इसको खाली डाल दीजिएगा तो ये फ्री में आप अटेंड कर पाओगे. बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, तो भी आप ये कोड को यूज करेगा. इसे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फीस के अंदर साहब, ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन का फायदा यही होगा कि मैं आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊंगा और आपकी जो भी क्वेरीज होगी पूरी हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से वो मैं सॉल्व करूंगा. और फिर अनअकैडमी में बहुत इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, वो लोग के सब्जेक्ट्स भी आप अटेंड कर पाओगे. पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, ठीक है. पर यहाँ पे एनसीईआरटी तो फाउंडेशन है, अभी तो वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री का कंपेयर करके पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और डेप्थ के अंदर जाएंगे. और 28 को हमारा कॉम्बैट है, वो भी जरूर से अटेंड करेगा. ये फ्री क्विज है, ये भी फ्री क्विज है साहब, है ना. इसमें भी आपको फीस नहीं पे करनी है, खाली ये डिस्काउंट कोड को यूज़ करना है, पी एन लाइव साहब, ठीक है. ये कोड को यूज़ करोगे तो ये अनलॉक कोड है काइंड ऑफ साहब आपके लिए. हर एक प्रकार का अनअकैडमी के ऊपर एक ही कोड यूज़ होना चाहिए, वो है पी एन लाइव साहब, ठीक है ना. यू शुड ऑलवेज यूज दिस कोड कि पी एन लाइव यूज करिए एंड यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस सेशंस एंड दी क्लासेज एज वेल. चलिए ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट.